भेजेगी रॉकी को जेल। रीना की डुप्लीकेट के लिए किस हद तक जाएगी रमिका सेन? क्या होगी विलन्स की साजिश? KGF 3, अब बस कुछ ही महीनों के बाद हमें बड़े पर्दे पर देखने को मिल जाएगी। फिल्म के फैंस ने इसको अभी से एक सुपर डुपर हिट घोषित कर दिया है। फिल्म के पहले दो पार्ट्स भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे और इसके थर्ड पार्ट से भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। ऐसे में फिल्म की कहानी में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं जो कि KGF 3 को और भी एक्साइटिंग बनाते हैं। जहाँ KGF पार्ट 1 और पार्ट 2 में रॉकी भाई एकदम इनविजिबल दिखाई दिए हैं, वहीं KGF 3 में माना जा रहा है कि रॉकी की कमजोरियों का फायदा उठाया जाएगा। दुश्मन को इतना तो पता चल ही चुका है कि रॉकी की एक सबसे बड़ी कमजोरी है रीना। रीना खतरे में आए रॉकी भाई ऐसा कभी कोई काम नहीं करेंगे। ऐसे में क्या होगा जब रीना रॉकी को जेल भेज देगी? जी हाँ, सही सुना आपने, फिल्म के प्लॉट में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जिसके चलते रीना खुद ही सारी साजिश में इन्वॉल्व होकर रॉकी को जेल भेज देगी। फिर बाद में इस चीज का खुलासा होगा कि यह सब भी उसने रॉकी की जान बचाने के लिए ही किया था। दरअसल फिल्म का प्लॉट कुछ इस तरह दिखाया जाएगा जिसके चलते रॉकी के दुश्मन उसे घेर लेंगे और इसके एनकाउंटर की पूरी साजिश कर चुके होंगे और इसकी जानकारी रीना को हो जाएगी क्योंकि वह बहुत अच्छे से रॉकी को जानती है। इसलिए समझती है कि रॉकी किसी से भी डरकर चार दीवारी में तो नहीं बैठेगा। ऐसे में वह खुद ही पुलिस को उसकी जानकारी दे देती है जिसके चलते पुलिस रॉकी को हवालात में बंद कर देगी। बाद में यह दिखाया जाएगा कि किस तरह उस मोमेंट और उस सिचुएशन में रॉकी के लिए सबसे सेफ जगह जेल ही थी जिससे वह भाग रहा था। फिल्म का सिमिलर लाइंस पर चलने वाला एक और प्लॉट बताया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि रॉकी को जेल तो होगी और रीना के कारण ही होगी, पर रीना का ऐसा करना किसी बेहतर काम के लिए नहीं होगा। सुनने में आ रहा है कि रमिका के लिए काम करने वाली लोगों में से रीना एक है। रमिका एक हमशक्ल को रीना बना करके रॉकी के सामने लाएगी। उस लड़की को रॉकी के सामने रीना बनाकर जाने की ट्रेनिंग देगी। इसके बाद धोखे से रॉकी को नकली रीना की फोटोज भेजी जाएंगी जिसके साथ ही सरकार उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर करेगी। अब क्योंकि रॉकी रीना को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता है, वह सरेंडर कर देगा। जब तक उसे पता चलेगा कि यह लड़की उसकी रीना नहीं बल्कि कोई और है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फिल्म के लिए ये दोनों ही प्लॉट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और दोनों में ही अच्छी एक्टिंग और डायरेक्शन का पोटेंशियल है। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे रॉकी भाई जेल से निकल कर आएंगे। इस पूरे सीन में हमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अच्छे एक्शन मूवी में एक अच्छे विलन का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर विलन एक से ज़्यादा हो तो मज़ा भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। KGF 3 में 3 विलन होने की बात की जा रही है। इनमें से एक विलन रमिका को तो हम जानते ही हैं। दूसरा सुनने में आ रहा है कि एक ड्रग माफिया होगा और फिल्म के थर्ड विलन को मेकर्स एक सरप्राइज रखना चाहते हैं। यह सरप्राइज विलन रॉकी पर सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाला है, पर इस रोल को कौन निभा रहा है, यह रोल कैसा होगा, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। तो आप KGF 3 में विलन के रूप में किसे देखना चाहेंगे? Let us know in the comment section। तब तक के लिए दोस्तों हम लेते हैं आपसे अलविदा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे जरूर से जरूर लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ।